अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीहा अब्बासी और आज हम बात करेंगे कि 2023 में क्या होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं कि ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं इस्लामिक और दुनिया किस तरफ जा रही है, तुर्की स्पेशली 2023 में कहाँ नज़र आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मीर वाइस खिलजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीर वाइस, हमें ये बताइएगा कि मुसलमान दुनिया में क्या नया ब्लॉक बनने जा रहा है या नहीं? देखें, बात दरअसल ये है कि इस्लामो ब्लॉक तो बनते हुए मैं देख रहा हूँ। वजह यह है कि एक तरफ जो तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और ये ममालिक एक साइड पे जा रहे हैं, जबकि गल्फ कंट्रीज सऊदी के साथ कुछ ममालिक हैं जो बिल्कुल उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं और वो एक अलग पैटर्न पे हैं और एक अलग सर्कल में हैं और हम अलग। हालिया दिनों में जो सऊदी के साथ हमारे वो कश्मीर को लेके और जो सब कुछ हो रहा है और जो हमारी दूरियां हो रही हैं वो भी उसी से रिलेटेड है। चूँकि आपने 2023 का जिक्र किया है तो मैं अपने नज़रिए को बताऊंगा। 2023 में जो 100 साल जो तुर्की बहुत से ऐसे उस पे जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म होने जा रही हैं, जिनका उन्होंने एक जो फ्रांस में उनका एग्रीमेंट पड़ा हुआ है जो तुर्की ने साइन किया हुआ है वो 2023 में ख़त्म होने जा रहा है। उसके बतौलक मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि 2023 में तक जो तुर्की है, बड़ी कम नाज़रीन को पता है कि वो वहाँ पे ड्रिलिंग नहीं कर सकती, यानी कि अपना तेल होने के बावजूद तेल नहीं निकाल सकते। फास्फोरस एक जो सी एरिया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज से सब जहाज़ों के गुजरगाह है, उन्होंने वहाँ पर टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है, और बाकी ऐसा कुछ और भी पाबंदियाँ हैं जो ख़त्म हो जाएंगी 2023 में। तो तुर्की चूँकि अब काफ़ी स्टेबल भी हो रहा है और जैसे जैसे 2023 करीब आ रहा है तो आपने देखा होगा कि तुर्की जो है बड़े मामलात में दखल अंदाजी स्टार्ट कर दी है और जहाँ भी मुसलमानों की बात होती है तो सबसे पहले चाहे वो फलस्तीन हो, कश्मीर हो, बर्मा हो, वहाँ पर आपको तुर्की नज़र आता है। तो वो जो एक स्टेटस था उनका एक 100 साल पहले, वो उस स्टेटस को वापस अपने आप को उस जगह पे देखना चाहते हैं या लाना चाहते हैं, इसी वजह से वो अपना रवैया भी उसी तरह से इख्तियार किया हुआ उन्होंने और हर चीज़ में कर रहे हैं। तो 2023 में काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है, जो या आप कह सकते हैं कि 2023 विल बी द गेम चेंजर ईयर फॉर तुर्की, नॉट फॉर तुर्की, इट्स मतलब इस्लामी ममालिक के लिए, क्योंकि वो सिर्फ खुद तो नहीं होगा ना। अब जो ब्लॉक बना रहा है, जिस तरह से वो इसराइल को आंखों में आंखें डाल के बात करता है, जिस तरह इंडिया के साथ उसका रवैया है, पाकिस्तान को अपने साथ कर रहा है, ईरान उनके साथ अटैचमेंट हो रही है, जिस तरह से वो सऊदी को ललकारता है या जिस तरह की वो रिस्पांस दे रहा है, तो वो सिर्फ तुर्की नहीं, वो इस्लामिक ब्लॉक में अपने आप को एक लीड करने के लिए एक मुल्क होगा जो लीड करेगा, जिस तरह के अभी ज़्यादातर कुछ साल पहले से सऊदी अरब कर रहा था, अब वो तुर्की की तरफ जा रहा है। चूँकि सऊदी मोस्टली एडजस्टमेंट है अमेरिका के साथ, तो अब तुर्की जब आ रहा है तो वो लाजमी बात है अमेरिका के जो मुदाखलत है वो बहुत हद कम हो जाएंगी, तो इसलिए सबको परेशानी है। आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो उनका सऊदी से काफ़ी अच्छा ताल्लुक है, और अगर तुर्की भी इस दौर में आ जाएगा तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के कहने पे तुर्की से अपने रबते ख़त्म कर देगा या तुर्की का साथ देगा? सऊदी के साथ ताल्लुक अच्छे थे, अब थे में आ गए है नहीं, जो कुछ हो रहा है वो अब ते में आ गए हैं, अब वो ताल्लुकात उनके साथ नहीं रहे। और जैसे मैंने कहा था 2023 आते हुए हर टाइम जितना दिन गुजर रहे हैं और तुर्की जो है वो ज़्यादा करीब होता जा रहा है तमाम इस्लामिक ममालिक के साथ और उनके इश्यूज रेज कर रहे हैं, जो कि फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर का इशू है तो कश्मीर बढ़ चढ़ के बड़े वो क्या कहते हैं निडर हो के जो स्टेटमेंट देता है, जिस तरह की बात करता है, तो वो एक इस्लामी ममालिक का लीडर समझें कि वो अपने आप को मानते हैं और अब उसी तरह बिहेवियर भी उनका उसी तरह है। तो आप क्या देखते हैं कि तुर्की आने वाले दिनों में कहाँ पे स्टैंड करता है? देखिए, जिस तरह वो जा रहा है तो मुझे लगता है कि 2023 तो नहीं मगर मैं 2021 में ही उसको देख रहा हूँ कि हमारे जितने इस्लामी ममालिक होंगे मुझे लगता है कि वो उसको फॉलो कर लेंगे और वो एक लीडर, एक मुल्क होगा जो लीड करेगा बाकी इस्लामी ममालिक को। अभी पिछले अरसे में हमने देखा कि पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की की जानिब से एक नया टीवी चैनल लॉन्च करने की भी बात की गई ताकि इस्लामोफोबिया जो बढ़ता हुआ पूरी दुनिया में उसको कम कर सके और मुसलमानों की एक इमेज अच्छी
पूरी दुनिया में आप ला सके अच्छी इमेज, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये ड्रामा अर्तगुल भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी फेमस जा रहा है पाकिस्तान में, तो ये उसी की एक कड़ी है। देखें, पहला सवाल उसका जवाब देता हूँ। ये जो नेऊ चैनल का आइडिया था इमरान खान, इमरान खान का आइडिया, अनफॉर्चुनेटली वो कुआलालंपुर समिट में ना जा सके, वरना मैं मुझे लगता था कि अगर वो जाते तो इस चीज़ पे इनिशिएटिव हो जाता और वो लॉन्च कर भी देते। काम तो बड़ा ज़बरदस्त है और करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी मीडिया आपकी माइंड सेट बनाती है, मतलब लोगों के जहनीत की जहनीत को डाइवर्ट करती है। तो उस टाइम इस दौर में आपका एक चैनल होना जो कि आपको प्रेजेंट कर सके, बड़ी ज़रूरी चीज़ है और उसको होना भी चाहिए और बड़ा अच्छा डिसीजन भी है। और साथ साथ अब मैं अगर कहूँ कि उसकी एग्जांपल अर्तगुल के साथ मैं अगर दे दूँ तो बड़ी अच्छी बात है कि आप ये देख लें कि उन्होंने एक अपनी कौम, देखिए अपनी कौम को एक मैसेज, ये सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये असल में 2023 से पहले अपनी कौम की ज़हनियत बनाना है। उनको बताया जा रहा है कि आप क्या आते हैं, आप कहाँ पे थे, आप कितने किस खाक से उठे हो, छोटे से एक कबीला और दुनिया की सुपर ताकत तो उस टाइम के मंगोल्स के साथ भी और जो क्रिश्चियंस थे उनके साथ भी, दोनों ताकतों के साथ लड़ते हुए ना सिर्फ लड़े हैं बल्कि अपना एरिया 3 गुना 4 गुना वो बढ़ा चुके थे उस टाइम हुक्मरानी में। तो वो एक मैसेज है जो अपनी कौम का ज़हनियत बना रहे हैं वो, और जो कि हम मेरे ख्याल है जो जितने भी हमारे लिए भी एक गुड एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप सबसे पहले, क्योंकि लड़ाई या किसी मुल्क का बनना ना वो ये ऐसा नहीं होता कि वो एक फौज करती है, आपके अगर आवाम की ज़हनियत बनी हो तो वो फिर आपको वो गोल्स अचीव करना बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए आप उसी में देखें कि हम भी इंस्पायर हो चुके हैं, पाकिस्तान में बहुत मशहूर हुआ और इसी डर की वजह से कि लोगों को एक विजन, तुर्की का विजन देखने के लिए इसी चीज़ को सऊदी ने बैन कर लिया अपने मुल्क में, इस ड्रामा को। अब इस ड्रामे में कुछ तो था जिसकी वजह से सऊदी इतने डरे हुए थे कि उन्होंने ड्रामा को बैन कर दिया, ठीक है। अब वो चीज़ ये मैसेज करवाना, इसीलिए तो मीडिया में कहता हूँ कि ज़रूरी है कि आप अपनी लोगों की ज़हनियत बना दें। मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे इसी से रिलेटेड है, ड्रामा से रिलेटेड, कि ड्रामा अर्तगुल गाजी की आपको क्या लगता है कि किस पॉलिसी के तहत वो लाया गया, कोई खास पॉलिसी है या पॉलिसी, क्योंकि इसकी टाइमिंग अगर देखी जाए तो काफ़ी ऐसी टाइमिंग है जब 2023 आने वाला है और जो ट्रीटी है वो ख़त्म होने वाली है। तो नहीं, ये तो डेफिनेटली ये प्लानिंग के थ्रू लेके, इसलिए तो मैंने कहा कि 2023 की आमद से पहले वो अपने लोगों का माइंडसेट बनाना चाह रहा है और उनको बताना चाह रहा है कि आप लोगों ने कहाँ पे खड़े होना है और हम क्या करने जा रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट वो अपने पॉलिसी भी मेक कर रहे हैं और जहाँ उसी तरह से कर रहे हैं। तो ये एक इट्स नॉट जस्ट अ ड्रामा, ये ड्रामा नहीं है, ये एक मैसेज है, मैसेज है उन सब तमाम ममालिक को जो कि तुर्की के साथ ज्यादती कर चुके हैं या तुर्की के मुश्किल वक्त में उनके साथ नहीं थे, तो उन सब के लिए एक मैसेज है, और इसको मैं ड्रामा कम एक मैसेज ज़्यादा मानता हूँ कि ये मैसेज है अपनी आवाम के लिए भी और बाकी ममालिक के लिए भी, ठीक है। तो जैसे तुर्की के ड्रामा में बताया गया है सल्तनत उस्मानिया को दिखाया गया है और अर्तगुल गाजी जो इसके बाद जो सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी, तो आपको क्या लगता है कि उसकी बुनियादी वजह क्या थी उसके जवाल की, सल्तनत उस्मानिया के जवाल की? देखिए अब तो डोंट नो कि उस सल्तनत उस्मानिया में वो प्रोग्राम तो आया नहीं कि जवाल, मगर ये खुदा का निज़ाम है कि हर अरूज को जवाल है। आप ये नहीं हो सकते कि आप 600 साल हुक्मरानी करेंगे, 700 साल उस हुक्मरानी करेंगे और जवाल नहीं आएगा। ये तो हर एक अरूज को जवाल है, ये हमारा ईमान भी है कि जो चीज़ ऊपर जाएगी वापस आएगी, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, आप सब इसको कह सकते हो। मगर हाँ, कोताहियाँ काफ़ी भी, देखें जब तक एक कौम को अपने अंदर गदार प्रोड्यूस ना हो, गदार ना हो, और जब तक आपको पता हो कि आपने करना क्या है, एक विजन हो आपके पास, तो आप कभी भी नाकाम नहीं रहते। मगर जब आपकी विजन चेंज हो जाए और आप दूसरों की लड़ाई में इंटरफेरेंस करती, यानी कि देखिए इसी चीज़ बताया, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में हमने अफगानिस्तान रशिया की लड़ाई में अपने आप को इंटर किया, उसके नतीजे में हमारे साथ क्या हुआ, अभी तक हम दहशतगर्दी के जो मामलात है वो देख रहे हैं,
ठीक है। फिर अमेरिका के साथ हमने जब इलहाक किया तो उसके नतायज अब आप देख रहे हैं कि अभी तक हम उसके अमियाजा भुगत रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह तुर्की में भी कुछ डिसीजंस थी जिसमें उस सब स्पेशली उस जंग में हिस्सा लेना, जहाँ पे क्योंकि इतना बड़ा रकबे पे आपका होना और आप दुनिया के बड़े जंग में हिस्सा बनते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका असरा तो आप तक आने ही आने थे। और दूसरा इसके अलावा ये थे कि उनके बीच में भी कुछ गद्दार मौजूद थे जिनकी वजह से ये जवाल आया। तो 625 साल उन्होंने हुकूमत की, तो इससे पहले इनको ऐसे खतरात नहीं थे, लाग नहीं हुए? नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि विजन खतरात होते हैं, जब आपका विजन क्लियर होता है ना तो आप उसकी तरफ जाते हो, मगर जब आपका विजन ही ना हो। देखिए एक फॉर एग्जांपल, मैंने एक एरिया कवर करना है, अगर मेरा विजन एक एरिया तक ही महदूद हो और वहां तक मैं पहुंच जाऊं, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर मैं अंदरूनी मामलात में झगड़ जाता हूँ, आपस में जो है एक दूसरे को गिराने और मारने के चक्कर में हम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा विजन था एक जगह तक, पॉइंट ए तक पहुँचने का। तो इसीलिए जब आप पॉइंट ए पे पहुँचते हैं तो देर शुड बी अ पॉइंट बी जहाँ पे आप जा सके और आप अपने विजन को मूव करते हैं। जहाँ पे आप अपने विजन को रोक देते हैं वहां से फिर सिचुएशन ऐसे ही होगी कि आप फिर उन बाकी दुनिया को छोड़ के आपस के रंजिशों में और आपस को एक दूसरे को नीचे दिखाने में शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर एक फैमिली है वो बाहर में ही लोगों के साथ कंपटीशन में हो, ठीक है, तो वो आपस में कभी भी लड़ नहीं पाएंगे, मगर जब वो बाहर की दुनिया छोड़ देंगे तो उनके पास काम क्या रहेगा, फिर एक दूसरे के साथ वो शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ भी तुर्की के साथ भी ऐसा ही हुआ अपने एरिया में, जब उन्होंने पॉइंट ए पे पहुँचने के बाद पॉइंट बी डिफाइन नहीं किया तो वो आपस में लड़ पड़े और यही सब कुछ होने वाला जो हो गया उनके साथ। और जवाल तो आना था, मैं कहता हूँ कि 625 साल बहुत है, ये भी बहुत अरसा है कि उन्होंने गुजार दी, अदरवाइज 100 साल भी गुजारना बड़ी बात होती है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा हालात में ये मुमकिन है कि खिलाफत दोबारा आ सके? नहीं, खिलाफत तो नहीं आ सकती। देखिए अब अगर वो तुर्की समझती कि यूक्रेन वो ले लेगा, वो नहीं हो सकता। एक तो बंदों को हकीकत पसंद होना चाहिए। खिलाफत ये नहीं है कि ज़रूरी है कि पाकिस्तान में तुर्की का झंडा हो या पाकिस्तान में तुर्की की फौज हो या ईरान में तुर्की का झंडा हो या ईरान में तुर्की का फौज मौजूद हो। अगर वो आप ही के विजन्स में पाकिस्तान आपको साथ चल रहा है, ईरान आपके साथ चल रहा है, मलेशिया आपके साथ चल रहा है, ठीक है, तो ये भी खिलाफत ही समझे। अलग अलग स्टेट होंगे, अपनी अपनी स्टेट्स हैं, मगर उनका विजन एक होगा। तो जब विजन है के और एक ऑब्जेक्टिव एक हो जाएंगे तो उसके बाद भी आप यही समझो कि सल्तनत बहाल है। आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगी ये क्वेश्चन कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि अगर हो जाता है सारी कंट्रीज ज्वाइन हो जाती है मुसलमान कंट्रीज, तो किस तरह से हम अपना इमेज को दुरुस्त कर सकते हैं पूरी दुनिया? देखें हमारी बदबख्ती देखें कि OIC को बने हुए कितने साल हो गए, मगर अगर हम कश्मीर का इशू वहाँ पे लाने में नाकाम रहे, सारे मुसलमान, मतलब चलो UN में तो हमारा बस नहीं चलता, हमें समझ आ गई ना हुआ तो ठीक है, मगर OIC में भी हम नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि हमारे बीच ही जो है हम आपस में मुतहद नहीं है। चूँकि हम आपस में मुतहद नहीं है तो फिर तो आपने ये चीज़ देखनी ही होगी। और नए ब्लॉक का मतलब फ़ायदा नहीं होगा, अगर आपका विजन एक है, अगर कोई ब्लॉक ना भी बने, कोई भी ब्लॉक ना हो, मतलब कोई OIC की तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन ना भी हो, मगर आपका विजन अगर एक हो तो सब कुछ हासिल कर सकते हो। मगर अगर आप एक ही OIC में मौजूद भी हो, आपका विजन ना हो, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि ऑर्गेनाइजेशंस पे मूव करें, आप आपस के ताल्लुकात इतने बेहतर कर सको कि आप अपने अदाव की तरफ एक यकजा होके चले जाएं। सर हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता जा रहा है, तो आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए YouTube चैनल।